शिवपुरी में गर्मी का कहर, अस्पताल में बढ़ रहे हैं मरीज, कुपोषित बच्चों की संख्या भी 20 के पार। अंचल में गर्मी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग गर्मी के चलते घरों में दुबके हुए हैं। बढ़ती गर्मी के चलते शिवपुरी के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में बढ़ रही चिल्ड्रन वार्ड में अधिकांश बच्चों को मौसमी बीमारी के चलते भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों का कहना है कि प्रतिदिन 30 से 40 बच्चे उल्टी दस्त की बीमारी के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में अत्यधिक गर्मी के चलते उल्टी दस्त की बीमारी के कारण कई बच्चे प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं, जिससे लगभग चिल्ड्रन वार्ड फुल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन को जल्दी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। जिला अस्पताल में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जबकि कोरोना का संकट भी जिला अस्पताल में अपने पैर जमा रहा है। बीते कुछ रोज पूर्व में जिला अस्पताल में कई वार्डों से कोरोना के मरीजों की भी पुष्टि हुई है। जिला अस्पताल में बनी एनआरसी लगभग 25 बच्चों की संख्या ऐसी है जो कुपोषित पाए गए, जिनमें से 8 बच्चे अति कुपोषित की श्रेणी में आए हैं। इन सभी 8 बच्चों का उपचार जिला अस्पताल के PICU में जारी है। शेष कुपोषित बच्चों का उपचार अस्पताल में बनी एनआरसी में किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में लगातार कुपोषित बच्चों के आंकड़े क्षेत्र से सामने आते जा रहे हैं। वहीं महिला बाल विकास लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी कुपोषित बच्चों की निकलने वाली संख्या में कटौती लाने में असफल होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में शिवपुरी के मांसखेड़ी गांव से 2 अति कुपोषित बच्चों को शिवपुरी के PICU में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों के स्वास्थ्य में सुधार आया है। सर, 2 अति कुपोषित बच्चे साधना और अरविंद को भर्ती कराया गया था, सर क्या स्थिति है? दोनों बच्चों को PICU में भर्ती किया गया था, उनके स्वास्थ्य में सुधार है, आराम है, और उनको आज हम NRC में शिफ्ट कर रहे हैं। पहले से स्थिति बेहतर है उन दोनों की। अच्छा सर, अभी NRC में कुल कितने बच्चे भर्ती हैं? PICU में से उनमें कितने बच्चे भर्ती हैं? टोटल 25 बच्चे अपने पास, लगभग 25 बच्चे SM के भर्ती हैं, जिसमें से लगभग 8 बच्चे अपने ICU और वार्ड में हैं, बाकी बच्चे NRC में हैं। सर, ये जो मौसमी बीमारी के चलते लगभग कितने बच्चे भर्ती हुए हैं? मौसमी बीमारी के चलते लगभग प्रतिदिन 30 से 40 बच्चे भर्ती हो रहे हैं, और उनमें अधिकांश बच्चे उल्टी दस्त के आ रहे हैं। इस मौसम में सर क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस मौसम में सबसे पहले तो ये है कि दोपहर में धूप में जाने से बचें, पानी ज़्यादा पिएं, और बाहर का कुछ भी खाना पीना खाने से बचें।